हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जोली मदद क्या हाल है गाइस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मुख्तारनामा सीरीज के एपिसोड 18 के पार्ट 1 को। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट एपिसोड 18 का पार्ट 1। लेट्स गो। होशियार हो जाओ, चार बाजों के धोखे से होशियार। जुबैरियों की हसरत हुई आशकार, ये लोग नहीं आज अली के वफादार। तुम क्यों कूफियों या रसूल अल हुसैन, या रसूल अल हुसैन, या रसूल अल हुसैन। अब तमाम कुफी आले जुबैर की बैत में हैं। तवाबीन का निशाना कातिल आले हुसैन है, उन्हें आले जुबैर से कोई वास्ता नहीं। एक साथ दो उंटों पर नहीं बैठा जा सकता। अगर तुम लोग मुसलमान हो तो तुम्हें आले जुबैर की बैत करनी होगी। शेर के पिंजरे में हाथ मत डालो बेवकूफो। अगर ना माने तो क्या होगा? हमारी बीवियां बेवा हो जाएंगी और बच्चे यतीम। ओ भाई साहब, कुफे में बस लड़ाई होती रहती है, बहुत फिरका है कुफे में। सच बात है यार, बात बात। ये अमीर क्यों कांप रहा है? अच्छा, नारे सुन के कांप के। कैसी कैसी गलती कर ली मैंने? आपने क्या फरमाया अमीर? तुम तो खामोश ही रहो सारे साथ। ये सारी आफतें नागहानी तुम और तुम्हारे साथियों की मरहूम मिन्नत है। माफ कीजिएगा अमीर, हम क्यों? हम तो सरापा तस्सीम और इताअत गुजार रहे हैं। लोगों की नजरों में जाहिर ना हुए, सारी दोस्तियां खत्म कर दी और बेवा औरतों की तरह खाना नशीनी इख्तियार कर ली हमने। ए इतने ज़िल जोशन, तुमने क्या समझा है किसी बच्चे के मद्दे मुकाबिल हो? इन गमजदा लोगों को किसने गमजदा किया है? मैंने या तुम लोगों ने? अगर मैंने तुम लोगों की बैत कबूल न की होती तो आज तवाबीन की लानत मलामतें मेरा गिरेबान न पकड़ती। तवाबीन का हमसे और आले जुबैर से कोई लेना देना नहीं था? अगर हम कातिल आले हुसैन को पनाह न देते। ये ग्रोह तो मुट्ठी भर बेनामो निशान लोग हैं, अमीर ख्वामखा उनसे डर रहे हैं। कूफे के लिए असल खतरा एक जहरीला सांप है जो गिरगिट की तरह छुप छुपा के कूफे में दाखिल हो गया है, और किसी को उसके मामलात और मेल मिलाप की फिक्र नहीं है। मुख्तार की बात कर रहा हूँ। झगड़े के दौरान मौजू बदल रहे हो उमर। शाबाश, मरहबा पिसरे साथ, मरहबा। तुमने सियासत किससे सीखी है उमर? मुझे यकीन है इब्ने जियाद के पास नहीं सीखी होगी। इब्ने जियाद के पास अगर दुरियात और समझदारी होती तो मुख्तार को सांस लेने की भी मोहलत ना देता। जारिया से सीखी है। मैं बिन यजीद हूं, आप लोगों का नया हाकिम। और ये इब्राहिम है, नवासाए मरहूम तरातुल खैर। इब्राहिम, अब हम एक दूसरे की मदद से कूफे को चलाएंगे। खुश आमदेद शेख, ये कैसा हुलिया है? कूफ नशीन लोगों के हुलिये में आए हैं ताकि तवाबीन जैसे लगे और उनके गुस्से से बच जाए। बहुत बुरी तरह उनकी गर्दन की रगे पोली हुई थी। इराक अरब के हजले उरूस में उरूस से मुराद कूफा है जी अमीर। खुदा की कसम, ये दुल्हन आप जैसे आकाशनाथ शोहर को ही जेब देती है। मैंने सुना है कि आप जुबैरियों के आला पाए के सियासतदानों में से हैं। सही। अगर मैं पाए का सियासतदान होता
तो किसी बेवा दुल्हन के हजले पर हरगिज कदम नहीं रखता जिसके शौहर होने का दावा हजारों खबीस लोग रखते हैं। जनाब आमिर, यकीनन आप अपनी गलती की तरफ अब तक मुतवज्जा हो चुके होंगे। आपने कूफे में गैर संजीदा फैसले से वो आबरू आले जुबैर गंवाई है जो 3 साल और कुछ अरसे में खूने दिल से हासिल की थी। और अगर मुझे यकीन न होता कि तुम्हारी ये खता तुमने जान बूझ कर नहीं की थी तो मैं अभी हुक्म देता कि तुम्हारी आबरू रेजी कर दी जाए। तुम पिसरे साथ और तुम जिल जोशन के बेटे और तुम लोग जिनके हाथ फर्जंदे रसूल के खून में भरे हुए हैं। आले जुबैर वो पहला गिरोह था जिसने खून हुसैन के दिफा में बात नहीं की, अमल किया। याद रखो कि आले जुबैर अपने अहद पर साबित कदम है और पुख्ता इरादा रखते हैं कि कातिलाने हुसैन के साथ जंग करें। तवाबीन भी यही चाहते हैं। हाँ, तो फिर जाइए और अपने आप को हमारे और तवाबीन के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा कीजिए। अगर जीत गए ये ताक और ये बदचलन औरत का हजले उरूसी आपका होगा। एंजल स्माइल किस की यजीद, हाय हाय फिर 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 यजीद, हाय हाय। ब्यूटीफुल म्यूजिक यार, बहुत ब्यूटीफुल। इंस्ट्रूमेंटल बहुत अच्छा प्ले कर रहा है पूरे सीरीज के अंदर में, बहुत अच्छा। क्या बात है, नोट्स आका। मेरे आका उठिए। क्यों तंग कर रहे हो आका के बच्चे, सोने दो मुझे। उठिए मेरे आका। आए हो तुम पर के मेरे पर तोड़ दिए तुमने, आसमान से जमीन पर गिरा दिया। सपना पागल कहीं के, क्या मैंने नहीं कहा था कि हर गधे के खटखटाने पर कह देना कि मेरा आका घर में नहीं है। मेरे आका मुख्तार आया है। क्या मुख्तार आया है? चलो भाई उठ जाओ। कौन? मुख्तार आया है। मुख्तार, मुख्तार, हाँ ये सब जल्दी से यहाँ से ले जाओ, यहाँ से जल्दी करो, उठा लो यहाँ से, ले जाओ फौरन, छुपा दो उनको यहाँ पर। क्या है, क्या है? हाय हाय, कोई प्याज, कोई लहसुन, कोई सिरका, कोई हलवा, कोई कचरा। वाह वाह, क्या रूप है, क्या कदो कामत है। ये हमारा अपना अबू इसहाक है। यस, आपका अपना। मार डाला तुमने इस तवील दूरी के गम में। कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैंने पहली बार देखा। कैसी गलीज बदबू है। उबैदा, तुमने अब तक ये बुरी आदत खत्म नहीं की। नहीं तुम्हारी कसम। मतलब क्यों नहीं, मगर मेरी एक रकत नमाज भी कजा नहीं हुई है। नमाज का शराब पीने से क्या वास्ता है? वास्ता नहीं है,
बेशक नमाज फहाशी और बुराइयों से रोकती है, तो फिर यकीनन वो बुराई जिसकी बदबू आपको अज़ियत दे रही है इन्हीं दिनों नमाज कायम होने के साथ साथ दफा हो जाएगी। हैफ है तुम पर कि तुम उम्मुल खबाइस को पीते हो। मैं इंसान हूँ मुख्तार, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जब ज़र्फ भर जाता है तो लबरेज हो ही जाता है। हम दोनों की दोस्ती में इन हुक्मरानों की वजह से दूरी आ गई है। हुक्मरान? अच्छा। तन्हा रह गया था मैं इस झूठ मुनाफकत जुल्म और धोखे के शहर में। तुम जो गए हो, उबैदा भी बेकस और यतीम हो गया। उबैदा, ताली एक हाथ से नहीं बजती मुख्तार। हमें हुसैन ने वो आग मेरे वजूद में फैला दी कि मैं जलता रहा जलता रहा जलता रहा। मजबूर होकर यहूदी अय्यूब की शराब की दुकान पर गया। फिर सिर्फ शराब ही मुझे तस्कीन पहुंचाती थी। अब तुम आ गए हो तो मुझे शराब की जरूरत नहीं। कसम से आज के बाद मुंह भी नहीं लगाऊंगा। इंशाल्लाह। कब क़याम कर रहे हो? हाँ, मैं तो एक लाजवाब से सवाल में उलझ गया हूँ उबैदा। कौन सा? ये कैसे हो सकता है कि इश्क़ हुसैन को उस दिल में जगह दी जाए जो शराब से आलूदा हो? मैं खुश हो गया था। मैं भी सोच रहा हूँ कि मुख्तार ने मेरे इश्क पर बावर किया है। बावर न किया होता तो मेरा सवाल लाजवाब न रहता। आज रात तुम्हारा मुंतजर हूँ उबैदा। अब हमारे क़याम के बारे में गुफ्तगू करें। सर आंखों पर करने वाला है ना। ए मुख्तार, है तू दुश्मन अशरार, तू ही उम्मीद अंसार, तू ही कातिल कुफार, तू ही गीना बेदार, तू ही बंदा है होशियार। शुक्रिया शुक्रिया मुख्तार, जरा जोर से चिंगा, सरे खलखे खता खा, बस एक बार के डूबी है शबे तार, हुआ मौसम पेकार, वकीना रब बना आजा बनना। मरहबा, बहुत खूब। क्या ये तुम हो अबू इसहाक? वादा पूरा हुआ इसमें? मैंने वादा किया था ना क्या हुआ? क्या मैं वाकई जाग रहा हूँ? कहीं ख्वाब नहीं देख रहा? मेरी मौत की खबर के मुंतजर तो नहीं थे? अगर झूठ सुना चाहो तो नहीं। खुदा तेरा शुक्र है मुख्तार, मुख्तार मेरे भाई। इस्माइल, लोगों से कहो शोर न करें, मसलहत नहीं है। ये कूफा है अबू इसहाक, कूफे में आले जुबैर गूंगे और बहरे हैं। जुबैरियों की आंख और कान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, एक माकूल वजह है। ए बनी हिंद के लोगों, दुरूद हो आप लोगों पर कि गौहर शनास हैं और मुझे अबू इसहाक की नजरों में सर बुलंद कर दिया है। यकीनन अबू इसहाक मक्के से हमारे लिए कोई कीमती सौगात लेकर आया है। फिलहाल रास्ते का थका हुआ है, अब इसे थकन दूर करने का मौका दीजिए। अब फिलहाल शोर मत कीजिए। क्या डेंजर है? मैंने सुना कि जुबैर के बेटे की शराइत के साथ बेइज्जती की है
तो तुम्हारा फातिहा पढ़ दिया था और यकीन कर लिया था कि अब मुख्तार के साथ जाने भी होंगी तो भी अपनी जान इन मनहूस जुबैरियों के जाल से किसी तरह नहीं बचा सकेगा। तुमने गलत नहीं सोचा था इस्माइल, अगर खुदा का लुत्फ करम न होता तो मैं आले जुबैर की कीने की आग में जल जाता। ये गिरोह यजीद और उसके साथियों की रविश पर ही चलेगा। जब तुम्हारी बेयत की खबर सुनी तो मेरे तो सींग निकलने वाले थे। तुम्हारा उस मनहूस औलाद से क्या वास्ता? वो हमारे मौला अली के फरमान के मुताबिक जुबैर की वही मनहूस औलाद है जिसने अपने बाप पर भी रहम नहीं किया और जंगे हमल में उसने अपने बाप के गर्दन पर तलवार रखी और उसे उकसाया कि वो अली से जंग करे। ओ भाई साहब इस्माइल, इस्माइल, मैंने इस बेत के साथ अपने आप को शियों के इस गिरोह में बदनाम कर लिया है ताकि इस मनहूस औलाद की नहुसत को उन लोगों पर साबित कर सकूं जो उसके दीवाने बने हुए हैं। ये मत भूलना कि अब भी कूफे में बहुत से लोग उस मनहूस औलाद के तरफदार हैं। यस, बहुत है। आज रात अपने भाई के साथ मुझसे मिलने के लिए आओ, कुछ नई बातें हैं तुम लोगों के लिए, सुनोगे तो महसूस होगे। बसत शौक अमीर, अगर मुझे मुख्तार के सियासतबाज होने का इल्म ना होता तो तुम यकीनन मेरे सर पे दो सींग देखते। आले जुबैर के नमक हलाली करने वाले तो नहीं हुए ना मुख्तार? अब्दुल रहमान, आले जुबैर जो खाना अली के मुहिबों को देते हैं उसमें नमक के बजाय जहर हलाहल डालते हैं। जो शिया जुबैरियों के सुफरे पर बैठता है वो नमक हलाली करने वाला नहीं बनता, मर जाता है। तो कितनी अजीब बात है कि मुख्तार जिंदा है। मैं जिंदा रह गया क्योंकि जहर की काट अपने पास रखता था। ओहो, मैंने सुना था कि हुकूमत इराक की शर्त पे तुमने बैत की है। ठीक सुना तुमने, तो तुम हुकूमत के लिए कूफे आए हो? अबे नहीं सब, मैं कयाम के लिए कूफा आया हूं। यानी तुम जुबैरियों के मुकर्रर करदा अमीर नहीं? मैं अली वालों का अमीर हूं अब्दुर्रहमान। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हें रहने दीजिए, सियासत उन लोगों के लिए सर चकरा देने वाली है जो सियासत नहीं जानते। इन चक्करों से जान छुड़ाना चाहो तो आज रात मेरे पास आ जाओ। इब्ने हनफिया की जानिब से एक ऐसा हुक्म है मेरे पास कि तुम भी सुन लो तो बुरा ना होगा। जनाब अब्दुल रहमान इब्ने शुरह। अब्दुल रहमान, शियों के शेर के दीदार से हमारी आंखें रोशन हों। तुम्हारी मक्का की दिलावरी और कारनामों का शोहरा तुम्हारे मुरीदों की जबान का विर्द बन गया था मुख्तार। मैंने सुना है कि यजीदी लश्कर तुम्हारे बाजुओं को इजाज़ देकर अंगुश्ते बदनदां हो गए थे। साहिब, मौजज़ा मेरा नहीं था जिसने शामी देव को जमीन बोझ कर दिया। साहिब, इश्क अली ने मेरे बाजुओं को ताकत बख्शी थी। अली अली अली, खुदा की कसम अगर दरिया मिल जाए तो मैं भी तैराकी जानता हूँ। मेरा सीना इश्क अली से माला माल है। दरिया था एक करबला जैसा साहिब, क्यों नहीं गए? मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं। मुझे मलामत मत करना कि किसी कुत्ते की तरह पिटता रहा हूं। शैतान मुझमें समा गया था और मुझे करबला के भंवर से डरा रहा था। अगर कयाम का इरादा है तो मेरा हाथ हाजिर है। हमारी वादागाह आज रात मेरा घर है साहिब। ऐसा हुक्म है इब्ने हनफिया का जिसे तमाम बुजुर्गान शिया को सुनना होगा। बच्चे लोग पीछे बैठे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं।
ये इनकी मदर है ना? ममनून हूँ अम्मा जान। यस। रंजे सफर एक तरफ, अपनी असास जड़ घराने और कबीले से दूरी एक तरफ, वो भी इस बुढ़ापे में। जफाए आले जुबैर एक लुत्फ हो गया मुझ पर कि अब अपनी माँ के जरिए साया जिंदगी बसर करूँ। सबसे पहले तो ये क्या बुढ़े हो गए तुम खुद? मुझसे ज्यादा तवक्को मत रखना कि मैं उम्र के आखिरी हिस्से तक कूफे में रहूंगी। बहुत जल्द मुख्तार कयाम करेगा, आले जुबैर की बिसात उलट के रख देगा और मैं ताइफ की तरफ लौट जाऊंगी। क्या बात, ठीक हुआ ना? ये मर्द आपसे कोई निस्बत रखता है बानू? ये मर्द मेरा बेटा है। हाँ? भाई है? मर्द हो गए हो बेटा? आपकी बहुत याद आती थी बाबा। अपनी यादों को जबान पर मत लाओ। क्यों बाबा? यादों का जिक्र करना जंजू मर्दों को नुकसान देता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा, बहुत बड़ा हो गया। मुझे जंग अच्छी नहीं लगती। बहुत खूब, इल्म नजूम एक अच्छा इल्म है, मगर तुम नजूमी क्यों बनना चाहते हो? एक नजूमी को आसमान चांद और सितारों से सरोकार होता है। मुझे नजूमी बनने का शौक है बाबा, मैं खुदा को ढूंढने के लिए नजूमी बनना चाहता हूँ। खुदा हर जगह है बेटा। हाँ, मगर ज्यादातर आसमान में होता है। बेटा साबित, इस बहस को उस वक्त के लिए छोड़ो कि जब मुख्तार थका हुआ ना हो। जो हुक्म दादी जान। बहुत बड़ा हो गया बेटा इनका। ये नारिया है ना, नारिया हो गया। मैं लौट आया नारिया, मगर वही हमेशा के मसाइल के साथ। खुश आमदीद मुख्तार, ये घर तुम्हारे बिना बहुत उदास था। दुमा जब आई तो उनके साथ तुम्हारी बूबी आ गई। पता चल गया कि तुम आने वाले हो। आज रात से तुम्हारा घर मैदानी जंग है। ताज्जुब नहीं होगा मुझे, दुमा मुझे सब कुछ बता चुकी है। नायला, बाबा की जान, ये भी बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई हो। ओ। आपके हाथ चूम लूं बाबा। अम्मा जान आप शर्त हार गईं, बाबा मुझे पहचान गए। खुदा जानता है कि मैं जंग और खूनरेजी पर हरगिज मायल नहीं हूँ, मगर मेरा दिल चाहता है कि खुदावंद आलम मेरे भाई और उनके अहले बैत के कातिलों को जिल्लत और रुसवाई में मुब्तला करे और हमारे खून नाहक का इम्तिहान ले। मुख्तार मेरा अमीन, वजीर और अमीर है, उसे इराक पर मामूर करता हूं ताकि हमारा दिफा करे। जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया। वालेका बतक वल्लाहि मस्तता। क्या था? हे नौसाफ के साथ हम पर हुज्जत तमाम है। अगर मौला सज्जाद ने अपने चचा मोहम्मद हनफिया को कयाम के मामलात में अपना मुकम्मल इख्तियार वाला वकील बना दिया हो, और अगर इब्ने हनफिया ने इस हुक्म के मुताबिक मुख्तार को अपना अमीन और वजीर बना दिया है, तो फिर जोमाए शिया को बगैर चूं चरा के मुख्तार की बैत कर लेनी चाहिए। ये तुम अगर अगर क्यों कर रहे हो अब्दुल रहमान? अगर मैंने अगर अगर कर लिया तो क्या गुनाह किया? तुम तो यूं अगर अगर कर रहे हो कि जैसे मुख्तार ने ये हुक्म खुद अपने लिए बना दिया हो। इस हुक्म में कोई शुबा है अब्दुल रहमान? इसमें शुबा नहीं अबू इसहाक, सिराहत नहीं है। हम उस कयाम पर मामूर किए गए हैं कि जिसमें शियों के इमाम असल मौला सज्जाद ने खुल्लम खुल्ला हुक्म कयाम नहीं दिया है, एक जरिया मुअय्यन किया है और उनके उस जरिए ने एक तीसरा वसीला मुअय्यन कर दिया है। उबैदा ने कुछ जल्दी कर ली। मेरा मकसद ये नहीं था कि खुदा नखास्ता
मुख्तार झूठा है और ये हुक्म जाली है। मेरे इस अगर अगर की वजह कयाम के हुक्म का गैर वाज़ह और मशकूक होना है। इस हुक्म में ये लिखा गया है कि मैं जंग और खून रेजी पर मायल नहीं हूं, मगर मैं चाहता हूं कि खुदावंद आलम मेरे भाई के कातिलों का किसास करे। या ये लिखा है जो भी मुख्तार का साथ देगा उसने हमारा साथ दिया है। इस हुक्म के मुताबिक इब्न हनफिया ने मुख्तार की ताईद की है, ना कि कयाम मुख्तार की। यानी अगर मुख्तार कयाम करना चाहे तो उसने अपने फतवे के मुताबिक कयाम किया है। अब्दुल रहमान ठीक कह रहा है, यह हुक्म न कयाम को वाजे कर रहा है और ना इमाम सज्जाद से मंसूब है। मौजू थोड़ा सा पेचीदा हो गया है। याद होगा कि कूफियों की जानिब से हमारे इमाम शहीद को भेजे गए बुलावे के वाक़े में यही शुबहात पैदा किए गए थे। जनाब सुलेमान सुर्द खुजाई उन दिनों तलवार के कयाम को जायज नहीं समझते थे। उनका अकीदा यह था कि जहाद का हुक्म खुद इमाम का वजीफा है। और आप लोगों को याद होना चाहिए कि उन्होंने हजरत मुस्लिम इब्न अकील के कयाम को मकरूह ठहराया और पीछे हट गए, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और मौला हुसैन उस वक्त तलवार से कयाम न करने का क्या उज़्र रखते थे, ये कोई छुपा हुआ मौजू तो नहीं, आप सब जानते हैं। आज मौला सज्जाद की हिकायत उनके शहीद बाबा के हालात और मसलहत से ज्यादा सख्त है। आज एक नई मुसीबत भी हमारे सरों पर मंडलाने लगी है। मुसीबत दो खानदानों की है, आले उमैया कम थी कि आले जुबैर का भी इजाफा हो गया। अगर आज मौला इमाम सज्जाद अलैह सलाम अपने चचा को वसीला बनाते हैं या अगर उनके चचा खुल्लम खुल्ला हुक्म नहीं देते हैं तो ये सिर्फ यजीदी और जुबैरी फितनागरों के मुंह बंद करने के लिए है, जो बेशक खूब जानते हैं कि आवाम को कैसे फरेब दें। बखुदा कसम बहुत अफसोसनाक बात है कि शिया इतने सारे तजर्बों और इतना सारा खून बह जाने के बाद भी इस जैसे शुबहात का दामनगीर हो जाए। मुझे जवाब मिल गया अबू साहब, तो तुम मानते हो कि शियों का इंतकाम खून हुसैन के लिए कयाम करना उलमाए शिया का वजीफा है? जी हाँ मानता हूँ। तो तुम सुलेमान का क्या करोगे? इब्ने ज़ियाद एक अजीम लश्कर के साथ इराक की जानिब निकल चुका है, सुलेमान और तवाबीन उसे लड़ने जाना चाहते हैं, उनकी नीयत भी इंतकाम खून हुसैन है। सुलेमान एक साफ सुथरी नीयत रखता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर सुलेमान के पास सियासत है ही नहीं। वो सबको मरने के लिए ले जा रहा। जंग की सिपह सालारी उसे करनी चाहिए जिसे काम का हुनर आता हो, तो अबू इसहाक से बेहतर कौन हो सकता है? सुलेमान मुख्तार को दिए गए हुक्म से बेखबर है। अगर उससे बात करके उसे ये हुक्म दिखा दिया जाए तो वो काने हो जाएगा और मुख्तार की बैत कर लेगा। ये नामुमकिन है कि सुलेमान मुख्तार की बैत के लिए राजी हो जाए। क्यों राजी नहीं होगा उबैदा? वो अपने आप को मुख्तार से ज्यादा आलम समझता है। हाँ, ये सच मेरे बात है। मुताबिक बात शरई है, काम में आलम पर फाल आलम भी होता है। ये रियलिटी इस हुक्म में तुम्हारे मुताबिक कयाम एक ऐसा शरई वजीफा है जो उल्मा के मिले जुले फैसले के बाद होना चाहिए। और सुलेमान उससे कोई बात ही नहीं है। उबैदा अबू साहब तुम खुद सुलेमान से बात क्यों नहीं कर लेते? उबैदा ठीक कह रहा है साहब, मेरे और सुलेमान के दरमियान कोई मुआवकत हो ही नहीं सकती। क्यों? कयाम के मामले में मेरी राय सुलेमान की राय से फर्क रखती है। पहली ये कि मैं ये कहता हूँ कि हमें ऐसे लड़ना चाहिए कि जीत जाएं, मगर सुलेमान जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, उसका मकसद सिर्फ शहादत है। सुलेमान की नजर में जीत का मतलब शहादत है। दूसरी बात यह कि मैं कयाम को कूफे पर तसल्लुत हासिल करने से शुरू करूं। हमें जीतने के लिए कूफे की हुकूमत जरूर हासिल करनी होगी, मगर सुलेमान को न तो कूफे की परवाह है और न ही उसकी हुकूमत से लेना देना। सच बात तो है। फिर क्या करें, या सुलेमान या अबू इसहाक? इसके अलावा कुछ और हुआ तो शिया दो ग्रुप में बढ़ जाएंगे और निफाक हो जाएगा। खुदा जानता है कि मैं शियों के तकसीम होने पर राजी नहीं हूं, मगर मैं उस जंग में साथ भी नहीं दे सकता कि जिसका अंजाम शियों का कत्लेआम और शिकस्त हो। इब्ने मरजाना एक बड़े लश्कर के साथ इराक का रुख कर चुका है। अब जानते हैं कि उसका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। सुलेमान एक दफा उसके मुकाबले में मगलूब हो चुका है।
اب واحد راستہ جو میری نظر میں تھا وہ یہ تھا کہ آپ بزرگان قوم سے بات کروں۔ اگر آپ لوگوں کو میری بات حق لگتی ہے تو سلیمان اس کے ساتھیوں سے بات کر کے دیکھ لیجئے۔ شیعوں کے بزرگوں میں سے کچھ افراد سلیمان کے ساتھی ہیں، اگر قوم کے بزرگ اور علماء مختار کی حقانیت پر اتفاق رائے دکھا دیں تو سلیمان بھی مان جائے گا۔ اگر میں بات کروں تو ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں حکومت کی محبت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اگرچہ میں یہ بھی سن چکا ہوں کہ میں حکومت اور ریاست کے حصول کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اگر مجھے حکومت کی ضرورت ہوتی تو میں آل زبیر کی بیعت میں ہی رہتا اور پسر زبیر کی دی ہوئی حکومت کو نہ ٹھکراتا۔ اس نے مجھے کوفے کی حکومت دے دی تھی، میں نے انکار کر دیا کیونکہ آل زبیر کو برحق نہیں جانتا تھا۔ سلیمان کو اگر پتا ہوتا کہ بن یزید کس لیے کوفہ آ رہا ہے تو ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر میری بیعت کر لیتا۔ آج رات کون سی تاریخ ہے؟ مختار کی باتوں کو ذہن نشین کر لیجیے۔ بن یزید کوفے کی جانب سے اس لیے مامور کیا گیا ہے تاکہ شیعوں کو شیعوں کے ہاتھوں ختم کر دے، یعنی بالکل وہی کام جو ملون ابن مرجانہ نے کیا۔ Yes. مولا حسین کو بلانے والوں کو ہی مولا حسین کے مقابلے پر کھڑا کر دیا۔ بن یزید جیسے ہی کوفہ پر مسلط ہوگا سب سے پہلا کام یہی کرے گا کہ توابین کی حمایت کرے گا اور انہیں ابن مرجانہ سے لڑنے کے لیے بھیج دے گا۔ یہی تو نہیں سمجھ۔ میں تو ابو اسحاق کی حقانیت کو مان گیا۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ ابو اسحاق کے پسر زبیر سے بیعت کس حکمت کے تحت تھی۔ ابو اسحاق کی حقانیت کا کوئی بھی منکر نہیں ہے اسماعیل۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جناب سلیمان بھی بالآخر مختار کو اپنا سربراہ مان لیں گے۔ ہاتھ بڑھاؤ مختار، ہمیں بیعت کرنی ہے۔ اوہ، آپ پہ بیعت ہو رہی ہے ابھی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ رحمان ہے نا؟ خدایا میرے خوش۔ That's it. Episode 18 کا پارٹ 1 یہاں پہ ختم ہوتا۔ واہ، جو لاسٹ میں جس نے ہاتھ نہیں ملایا وہ کون تھا؟ عبد الرحمانی تھا نا وہ، جہاں تک جہاں تک مجھے پتا ہے اس میں بتایا گیا عبد الرحمانی تھا۔ بہت کچھ تھا اس پارٹ کے اندر میں۔ بیک گراؤنڈ میں کتے کی آواز آئیں گے تو اگنور کر دینا، بیکاز میں رات کو سوٹ کر رہا ہوں تو عمر، شمر یہ سب لوگ بہت سارے لوگ مل کے آواز کرتے رہتے ہیں، ویڈیو بنانے دیتے نہیں ہیں مجھے، تو اس لیے اگر آئے گا آواز وغیرہ تو اگنور کر دینا، بیکاز بہت زور زور سے بھونکتے ہیں۔ میرے گھر کے بغل میں ایک کتا رہتا ہے جو چھت پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے رات کو اور بھونکتے رہتا ہے، تو اس کی آواز آئے گی تو اگنور کر دینے کا۔ تو بہت کچھ تھا اس ایپیسوڈ کے اندر میں۔ حضرت مختار جو ہے نا، پہلے وہ اپنی بانو عمرہ کے یہاں پہ گئے تھے، اپن نے دیکھا تھا لاسٹ پارٹ میں۔ اس کے بعد ابھی کوفے آئے ہیں، کوفے میں وہ ان کی جو دوسری وائف نہیں پہلی وائف ہے، وہ ناریہ میں ناریہ اور جاریہ میں کنفیوز ہوتا ہوں ہمیشہ۔ کبھی کبھی میں جاریہ کو ناریہ کہہ دیتا ہوں، میں کبھی کبھی ناریہ کو جاریہ کہہ دیتا ہوں، تو کنفیوز نہیں ہونا ہے۔ ناریہ کے گھر پہ آئے ہیں جہاں پہ اپن نے دیکھا ان کے جو بیٹے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں۔ جو بیٹا پہلے چھوٹا تھا وہ بڑا ہو گیا، اچانک سے بہت بڑا ہو گیا، داڑھی واڑی آ گئی اس کی، اینڈ جو ان کی بیٹی تھی وہ بھی بڑی ہو گئی ہے۔ تو بہت کچھ چینج ہو گیا، لٹرلی سب بڑے بڑے ہو گئے ہیں، سبھی لوگوں سے مل رہے ہیں وہ، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، فرینڈ ہیں ان سے مل رہے ہیں۔ ایک فرینڈ تو شرابی تھا جس میں سے بہت شراب کی بدبو آ رہی تھی، عبید اللہ نام تھا، جو جس کے دل میں بھی غم حسین ہے بٹ وہ شراب پیتا ہے۔ یہی چیز حضرت مختار کو سمجھ نہیں آئی کہ دل میں غم حسین رکھنے کے باوجود بھی کوئی انسان شراب کیسے پی سکتا ہے، تو وہ پھر وہاں پہ پورا ایکسپلینیشن وغیرہ کرتے ہیں۔ وہ بہت اکیلے تھے، تنہا تھے، کوس رہے تھے، کسی دن جا کے شراب پی لی یہودی کی دکان پہ، اس طرح سے کچھ کہہ رہے تھے وہ۔ تو یہ سب سین پورا چل رہا ہے۔ یہودی مطلب پہلے سے ہی بیڑا گرک کرتا ہے نا، بہت سارے پروڈکٹ وغیرہ وہ پہلے سے ہی بیچ رہا ہے، ابھی بھی پورے پروڈکٹ اسی کے رہتے ہیں یہودی لوگوں کے۔ یہ سچ میں کبھی نہیں سدھرنے والی، یہودی لوگ بگاڑتے ہیں بس لوگوں کو ہر چیز میں۔
तो एपिसोड की बात करेंगे उसके बाद। और भी काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, वो साइब करके कोई है उनसे मिलते हैं, अब्दुल रहमान था इनसे मिलते हैं। देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है रात के टाइम में, सब लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे बैत ली जाती है सब लोगों की, ठीक है, जो हम जो है साथ मिलके काम करेंगे। उसके बाद हज़रत सुलेमान के बारे में थोड़ी सी बातचीत होती है, उनको बुरा कहा जाता है, कुछ लोग अच्छे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम आपका साथ दें, सुलेमान का साथ दें, कुछ लोग कहते हैं हज़रत सुलेमान तो बस सबको मरवाना चाहता है, वो लाइक सबको मिलकर एक तरह से एक ही बार में गड्ढे में गिर जाएगा, इस तरह से लाइक बहुत सारी बातें करी जा रही है ना। तो हज़रत मुख्तार समझाते हैं एक तरह से हमें आराम से काम लेना पड़ेगा, जितने भी लाइक कूफे के बुज़ुर्ग लोग हैं उनके साथ मिलकर पहले कूफे को संभालना है, क्योंकि पहले कूफा में यजीद का राज था, ठीक है, ये ख़त्म हुआ, अब उससे भी बड़ा हरामी आले ज़ुबैर आके बैठ गया है लिटरली। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि कूफे वाले बढ़ते जा रहे, पहले भी बढ़ गए थे फिर दोबारा लाइक तुम कह सकते हो एक तरह से अभी बटे तो नहीं है, बट हो सकता है कि बट जाएंगे। तवाबेन जो है और जो इमाम हुसैन अलैहि सलाम का लाइक एक तरह से लाइक कातिल से बदला लेना चाहते हैं, एक तरह से ये दो अलग है, तवाबेन एंड जो कातिलाना हुसैन का बदला लेना चाहते हैं, कातिलाना हुसैन का बदला तवाबेन भी लेना चाहते हैं एंड साथ साथ जो हज़रत मुख्तार के साथ के लोग हैं वो भी लेना चाहते हैं, लेकिन जो एक अलग ही लाइक एक अलग ही स्टार्ट हो गया है कूफे में, वो आली ज़ुबैर के लोग हैं, आली ज़ुबैर के चाहने वाले अचानक से पैदा हो गए, वो भी चाहते हैं एक तरह से लाइक कातिलाना हुसैन का बदला लेना, पर उनको नहीं पता कि उनका जो खलीफा है वो नहीं चाहता ये सब कुछ, वो तो सिर्फ राज करना चाहता है, मुझे पता है लिटरली आली ज़ुबैर इब्ने ज़ुबैर अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ये सिर्फ राज करना चाहता है, बहुत गंदी चाल वगैरह चल के अभी कूफा उसने अपने अंडर कर लिया है। एंड एक और चीज़ सुनने को मिली इसमें जो मैंने कभी सुनी ही नहीं अचानक बीच में, लाइक एक दो एपिसोड पहले अपन ने सुना ही नहीं बिल्कुल उस चीज़ के बारे में, वो ये था कि मरजाना इब्ने ज़ियाद भाई ये फौज बना रहा इराक पे हमला करने के लिए, तो मैंने अभी तक सुना ही नहीं था, अचानक से मैंने किसकी मुँह से अभी सुना है ये, इब्ने ज़ियाद गया कहाँ लिटरली यार, वो रहता थोड़ा सा लाइक मनोरंजन होता था मेरा, इब्ने ज़ियाद थोड़ा सा कार्टून था वो, अपने पैर के घाव को लेके, घाव ठीक हो गया उसका पैर का अचानक लिटरली, कहाँ घूम रहा है, कभी बसरा मैंने सुना, बसरा में ही है शाम सुना मैंने, लाइक कहाँ जा रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है इब्ने ज़ियाद का। तो ये था लाइक पूरा एपिसोड एक तरह से, सब इकट्ठा हो गए, बैत ली जा रही है, तो अभी धीरे धीरे करके लाइक पूरा एक तरह से कंट्रोल करा जाएगा कूफे के ऊपर में। एंड यस, जो मेन मकसद है कातिलाना हुसैन को एक तरह से लाइक मारना, बहुत सिंपल सी बात है, इमाम हुसैन अलैहि सलाम का बदला लेना, ये नहीं रुकेगा, ये तो होगा। ठीक है, तो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बी से बी हैप्पी, पीस आउट, याली मदद, लबाई क्या हुसैन।